प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव उपचुनाव के बाद पंचायत व नगर निकाय और नगर निगम चुनाव भाजपा की तीसरी परीक्षा है और इस परीक्षा में भी भाजपा कांग्रेस को करारी शिकस्त देगी। जिला परिषद के लिए कांगड़ा में भाजपा ने 40 सीटों का लक्ष्य तय किया है। नगर निगम चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा कांग्रेस से पिछले चुनाव का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला से हमारे भाजपा के विधायक हैं, कांगड़ा चंबा के सांसद धर्मशाला से हैं, पालमपुर में विधानसभा में पार्टी जीत नहीं पाई थी लेकिन भाजपा ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रही इंदु गोस्वामी को राज्यसभा में भेजा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का पालमपुर में खाता भी नहीं खुलेगा। पालमपुर को लेकर कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की है लेकिन इस बार भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को लेकर पार्टी का सर्वे एक चरण पूरा हो गया है। सर्वे में जो प्रत्याशी सामने आएगा पार्टी उसे ही प्रत्याशी बनाएगी। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग और सचिन शर्मा मौजूद रहे। आज भाजपा की बैठक नहीं थी बल्कि ये नगर निगम चुनाव की योजना को लेकर एक बैठक थी और उसके दृष्टिगत हमारे 17 जो वार्ड है वहाँ से हर वार्ड से 2 या 3 प्रमुख कार्यकर्ता इसमें विशेष रूप से उपस्थित थे कि आने वाले समय में किस तरह से हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे और किसकी क्या जिम्मेवारी रहेगी इसकी लेकर विस्तार पूर्व चर्चा हुई है। जो रणनीति बनाई है वो हमने कार्यकर्ता को बताई, उसको तो हम मीडिया में नहीं बताएंगे लेकिन ये है कि कार्यकर्ता को सजग रहने के लिए हमने विशेष तौर पर कुछ वो टिप्स दिए हैं। और सबसे प्रसन्नता की बात यह थी कि इतने खराब मौसम के बावजूद भी 17 के 17 वार्डों से प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पंचायती राज चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। ये जो आज मैं आपके बीच में कह रहा हूँ कि ये जिला कांगड़ा में मिशन 40 को लेकर हम आगे चले हैं, इसको पूरा करना इस आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। पिछली बार जो गलतियाँ की वो इस बार नहीं होगी, इसलिए हम पहले से पूर्व अभ्यास कर रहे हैं और इस बार उस अभ्यास के अनुसार और उस विश्वास के अनुसार आज मैं मीडिया के सामने इस बात को बड़ी प्रमुखता के साथ बता रहा हूं कि 17 में से 17 धर्मशाला और 15 से 15 पालमपुर में, ये है हमारा मिशन। इस आधार पर हम पूर्व में सारी योजना के पूर्व काम कर रहे हैं। इसीलिए पालमपुर में सरकार के जो हमारे उद्योग एवं परिवहन मंत्री है श्री बिक्रम ठाकुर जी वहां प्रभारी के रूप में इस चुनाव को देखेंगे और धर्मशाला में हमारे वन एवं खेलकूद मंत्री श्रीमान राकेश पठानिया जी यहाँ स्वयं इस चुनाव में रहेंगे।